आपके अपने चैनल AS होम क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिए आज इस रेड ड्रेसिना से मिलते हैं। ये ड्रेसिना फैमिली को बिलोंग करता है। ये रेड ड्रेसिना या ड्रेसिना महात्मा भी कहलाता है। ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर यदि हम इसे रखते हैं तो इसे पर्याप्त तो ब्राइट लाइट चाहिए है, क्योंकि इसे अंधेरा पसंद नहीं है। कोई भी पौधा हो अंधेरे में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हमें ब्राइट लाइट चाहिए है। और यदि हम इसे बाहर अपने बालकनी या आंगन में रखते हैं तो शेडी एरिया चाहिए है, क्योंकि तेज धूप में एक तो इसकी पत्तियां जल जाती हैं। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर है पौधों का, और तेज धूप में ये इसकी पत्तियां जो होती हैं वो ब्राउन सी पड़ जाती हैं। देखिए तो हम इसे यदि बाहर अपने बालकनी या आंगन में रखते हैं तो हमें इसे शेड में रखना चाहिए। और यदि इसकी पानी की बात करें तो देखिए इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, एकदम ना इसे सूखी मिट्टी पसंद है। बहुत ज्यादा पानी होने पर इसकी जड़ होती वो गल जाती है। देखिए साथ में रियो प्लांट लगा है और पर्पल हार्ट भी लगा रखा है इसमें। देखिए छोटी सी पत्ती निकल रही है ये इस तरह से। देखिए गर्मियों में यदि, अभी तो सर्दियां हैं ठीक चल रहा है पौधा, लेकिन यदि गर्मियों में इसकी टिप इस तरह से यदि सूख सी जाती है तो हमें इसे किनारों से काट देना चाहिए, नहीं तो पूरी पत्ती खराब होने लगती है और किनारे भी देखने में नहीं अच्छे लगते हैं। और मिट्टी की यदि इसकी बात करते हैं तो इसको बेलडन सॉइल पसंद है। 50% इसमें चाहिए हमें गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद और 20% सैंड। सैंड इसलिए कि उसमें अच्छे से मिलके पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसको इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें हैं जो वो सड़ जाती हैं। लगाते समय हम इसमें गोबर की खाद अच्छे से डाल दें 30%, और बाद में जैसे यदि हमें इसमें गोबर की खाद डालना है तो महीने में या डेढ़ महीने में एक बार हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन यदि इसे हम पानी में गला दें उस खाद को और फिर उसे डालें तो वो ज़्यादा अच्छा असर करती है। वैसे हम तो इसमें चाय की पत्ती जो हमारे घर में यूज होती है चाय पत्ती, उसको धोकर सुखाकर पाउडर बनाकर वो डालते हैं, जिससे कि इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार हो जाती हैं। ये देखिए इसमें नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। ये पत्तियां तो बहुत ही खूबसूरत आती हैं इसकी, ये देखिए इस तरह से। ये तो आप इसमें चाय की पत्ती हो गया, केले के छिलके जो होते हैं उन्हें हम फुला के पानी में 3-4 दिन फुला दें, उसके बाद उस पानी को भी छान कर इसमें हम डाल सकते हैं। और साथ ही प्याज के छिलके उन्हें भी पानी में फुलाने के बाद उसका पानी भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, और ये हमने एक ही लगाया था, 1.5-2 साल पुराना पौधा हो रहा है, ये एक ही लगा था, लेकिन ये साथ में इसमें एक दूसरा भी निकल आया इस तरह से। ये देखिए इसको यदि हम अलग करके लगाना चाहें तो इसको हम जुलाई में, जैसे बगल से इसमें निकल आते हैं नए पौधे, तो हम जुलाई में मिट्टी जब इसकी बदलेंगे तब हम उससे दूसरे पौधे भी तैयार करके, अलग करके दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। और कटिंग से यदि आप इसे बनाना चाहें तो कटिंग से बड़े ही आसानी से तैयार होता है पौधा। इसकी 6-7 इंच की कटिंग ले लें यदि हम, और पानी में ग्रो कर लीजिए, बहुत जल्दी जड़ें निकल आती हैं। उसके बाद हम उसे मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से पौधा सर्वाइव कर जाता है। ये देखिए इस तरह से इसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं। ये देखिए ये कलर कितना खूबसूरत लगता है, जब नई पत्ती आती है तो देखिए कितने प्यारे खूबसूरत कलर लगते हैं। हाँ, पुराने होके जरूर ये थोड़े से डैमेज होने लगते हैं। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये तेज धूप के कारण थोड़ा सा इस तरह से हो गया है इसकी पत्ती, तो इसे हम काट के अलग कर देते हैं। देखिए इसमें काफी पत्तियां हमने काट रखी हैं इस तरह से, ये जो डैमेज हो गई थी धूप में इस तरह से हमने काट दिया था। ठंडियों में जब तेज पाला पड़ने लगता है, बहुत तेज ठंड हो जाती है, पाला गिरता है, उस समय हमें इन पौधों को बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर्द हवाओं से ये खराब भी हो जाता है। ये देखिए, और साथ ही देखिए हमने इसमें रियो प्लांट लगा रखा है, पर्पल हार्ट है, और ये देखिए एक एलोवेरा इस तरह से हमारा निकल आया था। एलोवेरा का एक बड़ा प्लांट है, उसमें ये एक जड़ फोड़ के किनारे से एक छोटा भी निकल आया था,
तो अभी कहीं जगह ना होने के कारण हम इसी में इसको भी शिफ्ट कर देंगे ताकि खराब ना होने पाए। इसको हम इसमें अच्छे से इसको भी लगा देंगे। तो इस तरह कम जगह में हमारे ज्यादा प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। अब यदि आपको हमारी ड्रेसिंग नाम पे जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।